तो अभी हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 पॉलीनोमियल का फोर्थ एक्सरसाइज और फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमने अभी तक जो सम्स करते आए हैं उसमें हम करते क्या हैं कि जो फैक्टर्स आपको निकालने होते हैं कि ये इसका फैक्टर है या व्हाट इज द फैक्टर, डिटरमाइन द फैक्टर, ये सारे क्वेश्चन कर देते हैं। अब इसमें आपको एक वैल्यू गिवन है एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर और आपको बताना कि कौन से पॉलीनोमियल का फैक्टर है। तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको यूज करना होगा, जो भी आपको फैक्टर गिवन है, जैसे कि इस केस में दिया है एक्स प्लस वन एज अ फैक्टर, तो आप क्या करोगे, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस वन। तो आपको पी ऑफ माइनस वन ये चारों इक्वेशन का फाइंड कर देना है। तो सिंपली आपको फाइंड कर लेना पी ऑफ माइनस वन, अगर आपका आंसर जीरो आ जाए, अगर आंसर जीरो आ जाए तो यस एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल, और अगर नहीं आए तो नो इट इज नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल। तो हम वही सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है और अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो इजीली सॉल्व कर ले जाओगे। पी ऑफ माइनस वन फाइंड करो, देखो क्या आ रहा है, पुटअप कर देते हैं एक्स की जगह माइनस वन, माइनस वन का क्यूब माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, ये माइनस वन और वो प्लस वन, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, आंसर जीरो। तो यस एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल, एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल। सेकेंड का सॉल्व कर ले रहे हैं, सिंपली भाई आपको वैल्यू पुट अप करते जाना, सॉल्व करते जाना है, का पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। तो पी ऑफ माइनस वन इसमें भी फाइंड कर लेंगे, माइनस वन का फोर टाइम प्लस माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन, माइनस वन का फोर टाइम मतलब इवन पावर है तो प्लस वन हो जाएगा पॉजिटिव नंबर, ये हो जाएगा माइनस वन, ये प्लस वन, ये माइनस वन, प्लस वन, माइनस प्लस कैंसल, माइनस प्लस कैंसल, आंसर वन है विच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल। इस केस में क्या होगा कि ये इसका फैक्टर नहीं होगा। क्या किया हमने, वैल्यू पुट अप किया और सिंपली चेक कर लिया कि रिजल्ट अगर वन आया है मतलब जीरो नहीं है, तो जीरो नहीं है तो वो फैक्टर नहीं होगा। रिमाइंडर में भी यही फॉर्मूला यूज करते हैं और फैक्टर में भी, इसको फैक्टर थ्योरम से भी जानते हैं, जो हमने वैल्यू पुटिंग मेथड किया था इसको फैक्टर थ्योरम भी बोलते हैं। थर्ड कर लेते हैं, एक्स का पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तब हम निकाल लेंगे पी ऑफ माइनस वन, ये माइनस वन का फोर टाइम प्लस थ्री इंटू माइनस वन का क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन, ये हो जाएगा माइनस वन का, सॉरी माइनस वन का फोर टाइम प्लस वन आएगा, ये माइनस वन होगा क्यूब है तो थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री, ये माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, थ्री इंटू वन थ्री, ये माइनस वन और ये प्लस वन, आंसर क्या आया वन विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्या लिख देंगे हम, देयरफॉर एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल फोर्थ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू, रूट दे के घबराना नहीं है, वैल्यू पुट अप करो आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। पी ऑफ माइनस वन फाइंड कर लो इधर भी, ये क्या हो जाएगा माइनस वन का होल क्यूब माइनस माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू इंटू माइनस वन प्लस रूट टू, ये हो जाएगा माइनस वन
इसका स्क्वायर करोगे तो 1 होगा और 1 इंटू माइनस 1 तो माइनस 1 ये भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस 2 माइनस रूट 2 होल का माइनस प्लस रूट 2। फिर से एक्सपांड कर लो, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस रूट 2 और ये प्लस रूट 2, ये कैंसल हो गया। जैसे आपका वेरिएबल एक्स होता है वैसे ये भी हो गया, रूट 2 को भी सपोज एक नंबर ले लो तो रूट 2 प्लस रूट 2 कितना हो जाएगा 2 रूट 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो 0 नहीं आया, इसका रिजल्ट आपका 2√2 आया, आना क्या चाहिए था 0 आना चाहिए था, वो नहीं आया, तो इसलिए ये क्या होगा फैक्टर नहीं होगा। तो हमने चेक किया तो ये चार हमारे क्वेश्चन थे, तो इसमें कौन से का आएगा, सिर्फ आपका फर्स्ट ही फैक्टर होगा, क्यों, क्योंकि उसका रिजल्ट 0 आया, बाकी किसी का फैक्टर नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन 1 था एक्सरसाइज 2.4 का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में लिखो। थैंक यू।